मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट इन दी ग्रामर लेसन फॉर टुडे टॉपिक लिंग। कल की वीडियो में अपने लिंग की परिभाषा और उसके वेदों के बारे में पढ़ा था। आज अपन उसकी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। क्वेश्चन दो तरह से बनता है, एक तो होता है लिंग बताइए, एक होता है लिंग बदल कर लिखिए। अगर लिंग बताइए तो लिंग बताइए तो जैसे शेर का अपन क्या बताना है, पुलिंग। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है लिंग बदल कर लिखिए तो शेर का क्या लिखना है, शेरनी। अब अपन को इसमें क्या पूछ रहा है, लिंग बताइए, तो शेर में कौन सा लिंग है, शेर में कौन सा लिंग है, पुलिंग, क्योंकि पुरुष जाति का बोध करा रहा है ना ये, तो शेर में कौन सा लिंग है, पुलिंग। उसी प्रकार कवि है, कवि में कौन सा लिंग है, कवि में भी पुलिंग है, कवि में भी कौन सा लिंग है, पुलिंग। फिर देखो माता, माता स्त्री जाति का बोध करा रही है तो कौन सा लिंग हुआ, स्त्रीलिंग। माता में कौन सा लिंग हुआ, स्त्री लिंग। फिर देखो विदुषी, विदुषी किस को किसका बोध करा रही है, स्त्री जाति का, तो इसमें भी क्या हुआ, स्त्री लिंग। इसमें भी क्या हुआ, क्या है, स्त्री लिंग। भाई है तो भाई पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो इसमें क्या आएगा, पुलिंग। भाई में क्या आएगा, पुलिंग। देखो शेर क्या है, पुलिंग है, कवि पुलिंग, माता स्त्रीलिंग है, विदुषी स्त्रीलिंग है और भाई पुलिंग है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग, अब अपन को इसमें तो अपन ने लिंग बताए थे भाई कौन सा लिंग है, और इसमें क्या है, लिंग बदल कर अपन को चेंज करके, लिंग चेंज करके लिखना है। जैसे देवर का क्या होएगा, देवरानी। देवर का क्या होएगा, देवरानी। देवर का लिंग चेंज क्या होएगा, देवरानी। फिर है मामी, मामी का क्या होएगा, मामा। मामी का क्या होएगा, मामा। यहाँ देवर दे रखा है तो देवर का क्या होएगा, देवरानी। यहाँ दे रखी है मामी तो मामी का क्या होएगा, मामा। फिर है लेखक, लेखक का क्या होएगा, लेखिका। लेखक का क्या होएगा, लेखिका। लेखक का क्या होएगा, लेखिका। फिर है सेठ, सेठ का क्या होएगा, सेठानी। सेठ का क्या होएगा, सेठानी। फिर है अध्यापिका, अध्यापिका का क्या होएगा, अध्यापक। अध्यापिका का क्या होएगा, अध्यापक। अध्यापिका का क्या होएगा, अध्यापक। फिर थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द दे रखे हैं, उनके अपन को लिंग बताना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, धोबी कपड़े धो रहा था। धोबी कपड़े धो रहा था, मतलब धोबी शब्द का अपन को लिंग बताना है। धोबी कपड़े धो रहा था तो धोबी शब्द है, इसका लिंग बताना है। तो धोबी में क्या आएगा, पुलिंग। धोबी में क्या है, पुलिंग है। फिर है युवती, युवती में स्त्रीलिंग। युवती में क्या आएगा, स्त्रीलिंग। युवती में क्या है, स्त्रीलिंग। फिर है बैल, बैल में क्या आएगा, बैल में पुलिंग। बैल में क्या आएगा, पुलिंग। बैल का स्त्रीलिंग क्या होता है, गाय, ठीक है। राजा, राजा में क्या आएगा, पुलिंग। राजा में क्या आएगा, इसमें भी पुलिंग। फिर अध्यापिका, अध्यापिका में स्त्री लिंग। अध्यापिका में स्त्री लिंग। देखो शेर, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। शेर में क्या आएगा, पुलिंग है। कवि पुलिंग है, माता स्त्रीलिंग है, विदुषी स्त्रीलिंग है और भाई पुलिंग है। अगर इसका लिंग चेंज कराता है तो शेर का शेरनी, कवि का कवियत्री, माता का पिता, विदुषी का विद्वान, भाई का बहन, ठीक है। अब निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। लिंग देखो, देवर का देवरानी, मामी का मामा, लेखक का लेखिका, सेठ का सेठानी, अध्यापिका का अध्यापक। फिर होता है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बताइए।
तो धोबी कपड़े धो रहा था, मतलब धोबी कपड़े धो रहा है, धो रहा था, तो इसमें क्या आएगा, धोबी शब्द में क्या आएगा, पुल्लिंग है, धोबी क्या है, पुल्लिंग, युवती स्त्रीलिंग, बैल पुल्लिंग, राजा पुल्लिंग, अध्यापिका स्त्रीलिंग। अगर इसका लिंग चेंज कराते हैं धोबी का क्या आएगा, धोबी, युवती का युवक, बैल का गाय, राजा का रानी, अध्यापिका का अध्यापक। इसको आपको राइट नहीं करना, ओनली आपको ऐसी एक्सरसाइज लेके फील करनी है, इस एक्सरसाइज को मतलब अपनी रफ नोटबुक में राइट करके फील करनी है और लर्न करना है। थैंक यू।